नमस्कार दोस्तों, आज आपका YouTube इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, गाय हमारा एक राष्ट्रीय पशु है तो हाई कोर्ट का सुझाव है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैदिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व एवं सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है, भारत में गाय को माता मानते हैं, ये हिंदुओं को की आस्था का विषय है। आस्था पर चोट से देश कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा है कि गौ मांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वास्थ्य के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है, इसकी हत्या की इजाज़त देना ठीक नहीं। यह भारतीय कृषि की रीढ़ है। कोर्ट ने कहा है कि गाय को मारने वाले को छोड़ा तो फिर अपराध करेगा। कोर्ट ने संभल के जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। जीवन काल में 440 लोगों को का भोजन जुटाती है गाय। कोर्ट ने कहा है कि एक गाय जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है। ये गौ मांस से केवल 80 का पेट भरता है। महाराजा रणजीत सिंह ने जो गौ हत्या पर मृत्यु दंड का आदेश दिया था, मुस्लिम व हिंदू राजाओं ने गोवध पर रोक लगाई। गाय की चर्बी को लेकर मंडल पांडे ने क्रांति की। संविधान ने गौ संरक्षण पर बल दिया। आज हम देख रहे हैं कि गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गाय की हमेशा हम लोग पूजा करते हैं और हिंदुओं में तो गाय को गौ माता के नाम से भी हम जानते हैं। इसीलिए हमारे देश में गाय का बहुत विशेष महत्व पाया जाता है। हर व्यक्ति हिंदू धर्म में जैसे कि हमारे दिवाली में गोवर्धन पूजा होती है, हर तरह की पूजा होती है, उसमें गाय का भी विशेष महत्व देते हैं। तो इसी कारण सांस्कृतिक हो, पौराणिक हो, तो सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव भी दिया गया है। और भारत में गाय को माता मानते हैं तो ये हिंदुओं की आस्था का विषय है। आस्था पर चोट से देश कमज़ोर होता है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।